यस बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? लाइक आई हैव टू पार्टनर्स, ऋषि एंड पंकज. ठीक है, दे वर रनिंग द पार्टनरशिप फर्म, बट आफ्टर सम टाइम्स दे जस्ट रियलाइज दैट वी नीड मोर मैन पावर. सो इन दैट केस दे जस्ट डिसाइडेड टू एंटर वन ऑफ देयर ओन फ्रेंड इन टू द पार्टनरशिप फर्म. So whenever the new partner comes into the firm, that condition we call admission of a partner, right? पहले फुल चपाती थी, दो लोग ऋषि और पंकज आपस में बांटा करते थे, अब उसी चपाती को तीन लोगों ने बांटना है. It means कि जो आपके पुराने partners हैं, पुराने partners को हम इस chapter में old partners कहा करेंगे, and that are ऋषि and पंकज, right? So they will be sacrificing their bites to the incoming partner, or incoming partner को मैं new partner बोला करूंगी chapter में. तो सबसे पहला step इस chapter में होगा, what sacrifice my old partners are making in the favor of incoming partner means new partner, right? So सबसे पहला topic होगा sacrificing ratio. Sacrificing ratio we will learn how to calculate. 8-10 illustration है उससे related, 10-12 back exercise question है, you will get an idea. Every time whenever the question comes in 8 marks, this is your first requirement. और सारा chapter ऐसे chain में चलना. This is your first requirement to calculate sacrificing ratio. Then treatment of goodwill. Now goodwill is not a new term for you. Goodwill के बारे में हम अपने third chapter में, this was second chapter, no, third chapter में हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, तो how the goodwill is to be treated, that we will learn at the second topic. Then जब admission होती है, और एक बात बता दूं आपको, admission का जब full fledged question आता है तो आपको पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट गिवन होती है. सो उस बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट्स और लॉस होंगे, उनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है एडमिशन के टाइम पे. ठीक है, दैट वी विल लर्न. अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स अपीयर कर रहे हैं, दैट आर सॉर्ट ऑफ जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट दिस टॉपिक्स. देन एट द टाइम ऑफ एडमिशन द ओल्ड पार्टनर्स मे डिसाइड टू रीवैल्यू द एसेट, लाइक किसी एसेट की वैल्यू बढ़ा दी, किसी एसेट की वैल्यू कम कर दी, and reassess the liabilities. Liabilities ki value mein bhi change aata hai, so for that we will be preparing revaluation account. I am just giving you the highlights. Due to COVID, this topic has been deleted last year. So as I have to pick it at the last of the chapter, and I hope tab tak our syllabus aa chuka hoga, so that we will see. Theek hai, yahi sabse typical topic hota tha jo usne last year kya kar diya tha, delete kar diya tha to make the concepts easy for the students, right? So we hope, क्योंकि उसने सिलेबस रिड्यूस करने को बोला ही है फिर से, तो हो सकता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो फिर से रिड्यूस कर दे. सो अबाउट दैट वी विल सी सिलेबस कब आता है और कैसे उसमें वो बोलता है. सो फर्स्टली वी विल बी कवरिंग दीज फोर टॉपिक्स. वन थिंग मोर, व्हेनेवर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ अकर्स, इट इज अ केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? Constitution of firm means the old agreement between or among the partners comes to an end. Like पहले दो partner हुआ करते थे, एक नए partner को admit किया, उसे भी partner बना लिया अपनी firm का, अब दो की जगह हमारे तीन partner हो गए, तो definitely sharing ratio क्या होगी, change होगी, उनका एग्रीमेंट क्या होगा, चेंज होगा. पार्टनरशिप स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन पहले दो बंदे चलाया करते थे, अब उसी पार्टनरशिप फर्म को तीन बंदे चलाएंगे. मान लो पहले तीन थे, एक नया एंटर हुआ, तो पहले तीन बंदे पार्टनरशिप को चलाया करते थे, अब चार पार्टनर्स हो गए. गेटिंग इट? सो इन दैट केस योर ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड, सो एडमिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. जब आपके पुरानी सारी चीजें कम्स टू एन एंड हो जाती है, मीन्स एग्रीमेंट के सारे कंटेंट, पुराने कंटेंट खत्म हो जाते हैं, और उसकी जगह आप एक नई पार्टनरशिप डीड बनाते हो. द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड, इन केस ऑफ दैट यू प्रिपेयर अ न्यू पार्टनरशिप डीड, दैट इज अ केस ऑफ व्हाट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, राइट? सो नाउ वी हैव टू सी द सीक्वेंस फ्रॉम योर बुक. अगेन आई एम रिपीटिंग, हूसोएवर हैव जॉइंड लेट दिस क्लास, आई एम टेलिंग यू फोर्थ चैप्टर वी आर लीविंग इन बिटवीन. ठीक है, तो आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन योर बुक, सीक्वेंस वाइज फोर्थ चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट वी विल डू आफ्टरवर्ड्स. सो डायरेक्टली आई एम पिकिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर.
तो जितना मैंने बताया है बुक में से मैं टिक करवा देती हूँ, जो मैं बता चुकी हूँ थ्योरी में वही उसने लिखा है. तो लेट्स सी द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, बिकॉज व्हेन द पेपर कम्स इन एमसीक्यूज, इवन इफ द पेपर कम्स इन सब्जेक्टिव टाइप, वी नीड टू रीड ईच एंड एवरी लाइन गिवन इन द बुक, ताकि हमारे से कुछ स्किप ना हो जाए. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है? पहली लाइन में लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म? क्योंकि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, उसकी जगह नया एग्रीमेंट आया. लिखा है ना उसने, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू वन, जिसकी एडमिशन हुई है. पहला एग्रीमेंट पुराने बंदों में हुआ करता था, अब नए बंदे के आने से दे राइट अ न्यू एग्रीमेंट, दे डिसाइड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हेनेवर एडमिशन अकर्स, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम्स टू एन एंड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. पहले दो पार्टनर हुआ करते थे, दोनों को अपनी सर्विसेज के बदले में हम सैलरी दिया करते थे, अब तीसरे को भी सैलरी देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दो को मिलता था, अब तीनों को मिलेगा. इट मींस कि एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड. So that change in the partnership agreement results in reconstitution of the firm, right? अब पुराने बंदों ने फर्म को चलाने के लिए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी थी, अब वो बंदे नए को बोलेंगे आप भी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आओ. तो नया बंदा जो भी पार्टनरशिप में आएगा वो भी अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा. एंड वन थिंग मोर, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? The old partners will ask the new partner to bring his share of goodwill as well. थ्रेटिकली ऑड सा लगता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली इसे सोचें, अपने हिस्से की गुडविल लेके आने का मतलब क्या है? वो बोलेंगे तेरे आने से पहले हम लोगों ने अपने हार्ड वर्क से, हम लोगों ने अपने सिंसियर एफर्ट से फर्म के लिए नेम और फेम क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है. सो वी विल नॉट बी गिविंग द शेयर ऑफ दैट नेम एंड फेम टू यू आउटराइटली, फॉर दैट यू नीड टू पे. सो गुडविल का जो वो पैसा लेके आएगा, सेकेंड टॉपिक है ही मेरा यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है. गुडविल का जो वो पैसा लेके आएगा कैश में लेके आएगा, ठीक है, फिर डिफरेंट केसेस हैं दैट वी विल डिस्कस. जब वो गुडविल का पैसा लेके आएगा नया बंदा, वो पुराने पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है. वाई? बिकॉज द ओल्ड पार्टनर्स दे डू सेक्रीफाइस ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि पुराने पार्टनर्स अपनी सेक्रीफाइसिंग का क्या मांगते हैं? कंपनसेशन मांगते हैं. ये क्वेश्चन आता है, Why the new partner is supposed to bring his share of goodwill at admission in order to compensate the old partners, because they do sacrifice in favor of incoming partner. For example, the old partners were A and B and their profit sharing ratio was this. It means ki A ka 1/2 tha, B ka bhi 1/2 tha. Baar baar hum question mein profit sharing ratio ki baat karenge. C has been admitted and they again decided कि हमारी रेशियो फिर से 1:1:1 होगी, लेकिन अब 1:1:1 का मतलब है 1/3 टू ईच. तो चेंज हो गया ना, पहले ए को मिलता था 1/2, अब ए को मिलना 1/3. पहले बी को मिलता था 1/2, अब भी बी को मिलना है इक्वल लेकिन 1/3. ठीक है, सो देयर अर्लियर शेयर वॉज ग्रेटर देन द न्यू शेयर. In that case, we will be calculating their sacrificing ratio. So that is the first point of this chapter, that is calculation of sacrificing ratio, right? That we will learn. Let me complete the theory first. Yes, partnership ka act yaad rakhenge, section yaad rakhenge. That is, according to section 31 of Indian Partnership Act, book mein underline karo. Indian Partnership Act 1932 mein bana tha, even hamari independence se pehle, Britishers ke time ka hai. A person can be admitted as a partner. Because he can ask you, write down the occasion when a partner can be admitted. If it is so agreed in the deed, नए partner की admission तभी होगी अगर deed में लिखा है. In अगर deed में नहीं लिखा तो सारे partners की सहमति का होना जरूरी है. It means कि we need the consent of all the old partners to admit the new partner. How can a new partner be admitted? With the consent of all the old partners. मान लो डीड में लिखा है 50% भी अगर हमें कंसेंट मिल जाती है तो हम नए पार्टनर की एडमिशन कर लेंगे, तब 50% वाला क्राइटेरिया होगा क्योंकि डीड में लिखा है. अगर डीड में नहीं लिखा, देन वी नीड द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू एडमिट द न्यू पार्टनर. जैसे बी कहता है कि आई वॉन्ट दैट माई सन शुड ऑल्सो बी द पार्टनर, बट ए डजंट एग्री, ठीक है, तो उस केस में बी के बेटे की एडमिशन नहीं हो सकती क्योंकि हमें सहमति चाहिए सबकी. एज द डीड वॉज साइलेंट,
जैसे ही नए बंदे की एडमिशन हो जाएगी, ही गेट्स टू राइट्स. किस चीज के राइट्स? उसका प्रॉफिट में हिस्सेदारी हो जाएगी. ही कैन इवन शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म, क्योंकि अब वो भी हमारी फर्म का मालिक बन गया है. जब वो भी हमारी फर्म का मालिक बन गया है तो डेफिनेटली उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगी, उसे एसेट में भी हिस्सेदारी मिलेगी. सो दीज टू राइट्स यू हैव टू टिक मार्क. राइट, व्हाट टाइप ऑफ राइट्स अ न्यू पार्टनर गेट्स एट हिज एडमिशन, हिज और हर एडमिशन, इवन अ लेडी या फीमेल कैन ऑल्सो बिकम द पार्टनर. एट द सेम टाइम अगर एसेट में हिस्सेदारी है तो फर्म की अगर कोई लाइबिलिटी है तो ही बिकम्स लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इनकर्ड आफ्टर द एडमिशन. अंडरलाइन करो, इट्स नॉट बिफोर एडमिशन. Any liability if the firm is having before admission, for that the new partner will not be liable. But any liability which occurs after his admission, for that he will also be liable. Even agar wo profit mein hissedari rakhta hai, to agar firm ko loss hoga, to loss bhi use bear karna padega. Right? So partnership ki aapko definition karwai hoti hai plus one mein, jab hum firms of organization karte hain business studies mein. It is a business being run by two or more persons. Agreed to run the business by all or by one acting for others. या तो सारे partners मिलके business चलाते हैं या फिर कोई एक working partner होता है जो सबके behalf के ऊपर decisions लेता है और काम करता है. ठीक है, so same definition is applied over here. Yes. Next paragraph. New partner जब admit होगा तो ऑब्वियस है मेरे पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सरेंडर करना पड़ेगा. किसकी फेवर में? नए पार्टनर की फेवर में. सो फॉर दैट सरेंडरिंग वी विल बी कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन. व्हाई? बिकॉज अर्लियर पूरी फर्म का प्रॉफिट दो लोग बांटा करते थे, अब तीसरे के आने पे वही प्रॉफिट तीन बंदों में बटेगा. तो डेफिनेटली मेरे पुराने बंदों का शेयर कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में. जो दोनों का डिफरेंस होगा that will be sacrificing ratio. So sacrificing ratio का यहीं पे formula कर लीजिए, old minus new. ठीक है जी, old minus new. A is sacrifice. A का old कितना है? 1/2. New कितना है? 1/3. Old हमेशा greater होगा ना, क्योंकि he is sacrificing in favor LCM loss 6. This is 3 - 2. That is 1/6. That is A is sacrifice. आगे term topic को करवाना ही उसने यही है. How to calculate sacrificing ratio. B का भी सेम ही आएगा. अगर कोई मेरे से पूछे उनकी sacrificing ratio क्या है, 1:1 है, क्योंकि 1/6 is to 1/6, denominator को हम cancel कर देते हैं. So their sacrificing ratio also comes equal. वो तो coincidence हुआ कि old ratio भी equal थी, new ratio भी equal है और sacrificing ratio भी equal हुई. मान लो वो 3:2 देता है old और नई ratio 1:5 देता है, then whole of the scene gets changed. So the way he will be explaining me in the questions, in the same manner I will be doing it, right? But you have to learn O minus N. ठीक है, O minus N. O means old, N means new. Old minus new is the formula of your sacrificing ratio. Yes, ये भी मैंने लाइन आपको बता दी. जब नया बंदा आएगा वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, प्लस वो अपने हिस्से की कैपिटल भी लेके आएगा. Next topic, we can't leave even a single line of theory, क्योंकि theory के ऊपर भी MCQ बनते हैं, so that's why we have to do that. Page number 5.2 पे आ जाइए, and the topic he made in your book, that is effects of admission of a partner. जब नए partner की admission होती है, तो firm में क्या-क्या change होता है? First, सारी बातें मैंने बता दी हैं directly और indirectly, उसी को उसने different lines में फिरो दिया है, ठीक है? He just summarized what are the consequences for the admission. Or on the admission of a new partner. Pehli line, you all will agree, because there is no doubt about that. The old agreement comes to an end, and the new agreement is framed with the consent of new incoming partner. नए partner के आने पे एक नया agreement existence में आएगा, और पुराना agreement हम खत्म कर देंगे. देखो क्या लिखा है? Old partnership agreement comes to an end, and new partnership comes into existence. However, the firm continues. Firm थोड़ी ना बंद हो रही है. पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, उसकी जगह हम नया एग्रीमेंट लिख रहे हैं, दैट्स इट. फर्म चलती रहेगी. देन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड कंबाइंड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स गेट रिड्यूस्ड. पुराने बंदों का शेयर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, और नए बंदे को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज वी एडमिटेड हिम for partnership firm, and whenever any partner comes, he or she becomes liable for all the results, financial results of the business,
what is the meaning of financial results of the business students? That is either profit or loss. ठीक है, so he becomes liable for the losses. He is eligible to get the share of profit. Now come to the third, new or incoming. These are the terminology. पुराने partners को हम old partners कहा करेंगे पूरे chapter में, और नए partner को या तो new partner या incoming partner. So he is repeating the words so that you can get yourself familiarized that what type of terminology we are going to use in this chapter. New or incoming partner contributes. Yes, नया बंदा अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा, क्योंकि पुरानों ने जब बिजनेस चलाया था तो उन्होंने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी. सो दिस यू विल फाइंड इन द क्वेश्चन एज वेल कि नए बंदे की जब एडमिशन हो रही है हाउ मच कैपिटल ही इज ब्रिंगिंग. अब बेटे पूरा चैप्टर आपका जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स के ऊपर बेस्ड है. मींस जिसको प्लस वन का सारा सिलेबस आता है उसे ही समझ आ पाना. जर्नल एंट्रीज विद लॉजिक मैं आपको बताऊंगी. कभी 8 नंबर में वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पूछता है. 11-12 जर्नल एंट्रीज होती है, कोई हाफ मार्क की कोई 1 मार्क की. एंड समटाइम्स ही आस्क यू टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स आपके किसके होते हैं बैलेंस शीट के, और 3 मार्क्स होते हैं कैपिटल अकाउंट्स के. अब कैपिटल अकाउंट्स क्योंकि इसने डिलीट कर दिया था पिछले साल से, तो हमारे पास रह ही जाता है रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट. दैट वी विल सी अब सिलेबस कैसे आता है. ठीक है, फोर्थ पढ़िए. न्यू और इनकमिंग पार्टनर, यस ही गेट्स द राइट्स इन द एसेट एंड आल्सो बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. ऑलरेडी डिस्कस, मैंने पहले ही बोला सारे पॉइंट डिस्कस करे हुए. यस, मैंने स्टार्टिंग में बोर्ड पे लिखा था व्हेन न्यू पार्टनर कम्स वी एडजस्ट द रिजर्व्स. जो हमारी बैलेंस शीट में पुराने रिजर्व पड़े हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट करनी है वी विल सी लेटर. अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं बोलती जाऊंगी. जैसे नए पार्टनर की एडमिशन होती है हम एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, हम लायबिलिटीज की भी नई वैल्यू डालते हैं, तो उसका भी क्या करना है हमारे चैप्टर का अलग से टॉपिक है. यस, जैसे ही नए पार्टनर की एडमिशन होती है हम गुडविल की वैल्यू डालते हैं और उसे बोलते हैं मेरी फर्म की वैल्यू 20 लाख है एंड यू आर कमिंग फॉर 1/5 शेयर. आप अपने हिस्से का 4 लाख लेके आओ. So we will be valuing the goodwill and we will be asking the new partner to bring his share of goodwill in cash. Basically in cash, but sometimes some other agreement can also be made. आगे 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, right? उसने deferred revenue expenditure अलग से treat कर दिया, मैंने उसे losses में ही लिख दिया था. चलिए जी पहला topic करते हैं. मैंने बोला था ना change in profit sharing ratio that happens in case of admission, retirement as well as death. तो फोर्थ चैप्टर का अलग से नाम भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. सो व्हेन वी विल बी डूइंग द एलैबोरेटेड वर्जन ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ इट विल वेरी इजी टू डू माय फोर्थ चैप्टर. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इन बिटवीन, राइट. चलिए जी क्वेश्चन से ही करना शुरू करेंगे. कम एट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन. अगर 8 या 10 इलस्ट्रेशन है, ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. हर इलस्ट्रेशन में उसने कुछ ना कुछ नया ट्रिक डाला है. ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू पे योर फुल कंसेंट्रेशन. अभी तक किसी को कोई डाउट है यू मे आस्क. एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क. किसी को कुछ पूछना है? यस, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन. यू हैव टू पे योर फुल अटेंशन. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स इन 8 मार्क्स वो आपको नहीं बोलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो. दिस इज ऑलवेज योर फर्स्ट स्टेप. जब कभी भी एडमिशन का क्वेश्चन आएगा आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे पहले निकालेंगे. जब कभी भी रिटायरमेंट और डेथ का आएगा आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे. और गेनिंग रेशियो क्यों निकालेंगे वो उस चैप्टर का टॉपिक है. वी विल डिस्कस एट दैट टाइम, राइट. सो एग्जाम्पल नंबर 1, होल ऑफ द स्टोरी आई विल बी राइटिंग ऑन द बोर्ड. दिस इज वॉट ओम एंड शिव आर टू पार्टनर्स. मेरे को लगता है दिस इज अ क्वेश्चन इन माय न्यू एडिशन. पुराने में ओम एंड शिव वाला पहला क्वेश्चन नहीं हुआ करता था. जिनके पास पुराना एडिशन है उनको ये क्वेश्चन शायद नहीं मिलेगा. 5:3 हरी इज बीइंग एडमिटेड. हरी इज अ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर को मैं हमेशा सर्कल किया करूंगी डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो ओम इज माई ओल्ड पार्टनर, शिव इज ऑल्सो माई ओल्ड पार्टनर. अगर मैं बात करूं तो ओम की रेशियो 5:8 है, शिव की रेशियो 3:8 है. याद है ना छोटी क्लासेस में रेशियो का चैप्टर किया होता है, दोनों का टोटल डिनोमिनेटर बनता है. ठीक है, सो ओम की रेशियो कितनी है 5:8 और शिव की रेशियो कितनी है 3:8. रेशियो और प्रोपोर्शन का चैप्टर आप लोगों ने किया होता है अपनी लोअर क्लासेस में. हाउ टू मेक द रेशियो दैट आई मेड. ओके, सो हरी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर. हरी इज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर? हरी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर. आपको बोला है
न्यू रेशियो इज क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. ठीक है जी. अब ये टॉपिक कौन सा है? जब हमें नए बंदे का शेयर दे रखा है. ठीक है. अब आई हैव टू अप्लाई माई माइंड, आई विल अप्लाई माई सिंपल मैथमेटिक्स. आई विल बी अज्यूमिंग, पहले मेरे पास होल यूनिट वन हुआ करता था, उस वन लाइक वन चपाती हुआ करती थी. उस वन चपाती में से हमने प्रॉमिस कर दिया कि हरी को हम वन फोर्थ देंगे. तो आई विल बी कॉलिंग इट रिमेनिंग शेयर एट हरी सिग्नेचर. दिस यू हैव टू अज्यूम. इसका कोई रूल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बाकी सारा वेग है. पुरानी रेशियो दे दी, नए बंदे का शेयर दे दिया, न्यू कैसे निकालू भाई? ठीक. सो रिमेनिंग शेयर आफ्टर हरीज एडमिशन. एडमिशन आपको लिखिएगा वन माइनस वन बाय फोर, दिस इज इक्वल टू थ्री बाय फोर. अब अगली अजम्पशन क्या है? जो बच्चा है मेरे पुराने पार्टनर अपने में बांटेंगे. जो बचा है कितना बचा है? हरी को वन फोर्थ वन में से. आई एम अज्यूमिंग आई हैव द वन चपाती बिफोर हिज एडमिशन. ठीक है. दैट वन चपाती दे वर डिवाइडिंग इनटू व्हाट? 5 बाय 8 एंड 3 बाय 8. तो जब मैं दोनों को ऐड करती हूँ 8 बाय 8 आता है, तो 1 ही होना ना टोटल. सो दिस वाज द फुल यूनिट आई वाज हैविंग, मींस माय दीज टू पार्टनर्स वर हैविंग द फुल चपाती. और हरी को प्रॉमिस कर दिया तेरे को 1/4 दे देंगे. कितना बचा? 3 बाय 4. जो बचा मेरे पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशियो में डिवाइड करें, वो उनका न्यू होगा. जो बच्चा पुराने पार्टनर, कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइलेंट है. सो अगेन आई विल बी अज्यूमिंग जो बचा. कई बार वो बोल देगा जो बचेगा वो पुराने पार्टनर्स इक्वली बांटेंगे, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ. लेकिन खुद कुछ नहीं कहा, तो आई एम अज्यूमिंग जो बचा मेरे पुराने पार्टनर्स ने अपनी पुरानी रेशियो में ही डिवाइड किया. 3/4 का 5/8, आई एम रिपीटिंग 3/4 ऑफ 5/8 नहीं, 5/8 ऑफ 3/4. जब मैथ्स में ऑफ लगता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट मी राइट हियर, ओम्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 3/4 का 5/8. कैंसल कभी ना करना, अगर हो भी जाता है तो कैंसल मत करना. हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 15/32, राइट. नाउ शिव्स न्यू शेयर, शिव इज ऑल्सो माई ओल्ड पार्टनर. 3/4 का 3/8, 9/32. अब जरा ध्यान से देखना, 15/32 है, 9/32 है, एंड न्यू रेशियो अब तीन बंदों में होनी है. ओम इज टू शिव इज टू हरी. हरी का सबको पता है न्यू शेयर 1/4 है. फिर से मैथ का रूल है, जब रेशियो बनानी है तो लाइक फ्रैक्शन होनी चाहिए. अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं इसका डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगी, तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 से नीचे, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर 32 बनाना है इसका भी. सो हरी का न्यू शेयर आया 8/32. अब आंसर लिख के आना एग्जामिनर के लिए. न्यू रेशियो इज इक्वल टू, बोलो जी, 15/32 is to 9/32 is to 8/32. डिनोमिनेटर हटा के 15 is to 9 is to 8. चेक फ्रॉम यू. सो दिस इज द आंसर. 15 अब और कैंसिल हो नहीं सकता और रिड्यूस हो नहीं सकता, ये मैचिंग विद रूल. सो विच केस वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव द ओल्ड रेशियो ऑफ माई ओल्ड पार्टनर गिवन इन द क्वेश्चन, we have the new share of my incoming partner, bas do line likh ke bol diya new ratio nikal. theek hai, then you have to assume naye bande ke aane se pehle full fledged share tha 1, one chapati thi, us one chapati mein se bol diya tu 1/4 le le, jo bach jayega hum le lenge. lekin hum kaise lenge? apni purani ratio mein hi. theek hai, to bacha kya? 1 mein se 1/4 minus kiya, bacha kya? 3/4. 3/4 ka bolo 5/8 मेरा ओम लेगा. ठीक है, फर्स्ट पार्टनर. 3/4 का 3/8 शिव लेगा, माय सेकंड पार्टनर. ऑफ 3/4 ऑफ, नो, 5/8 ऑफ 3/4. मल्टीप्लाई किया 15/32, देन 3/8 ऑफ 3/4, मल्टीप्लाई किया 9/32. फ्रैक्शंस को लाइक बनाना है, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 8 से नीचे, फर्क थोड़ा ना पड़ना फ्रैक्शन में, लेकिन मेरी फ्रैक्शन इक्वल हो जाए. इक्वल मतलब लाइक. So it will be 8/32. अब रेशियो लिख दो, 15:9:8. So this was my first case, typical to some extent, but with practice you will be able to retain it. Any doubt to anyone? Any doubts to anyone? किसी को कुछ पूछना है? Yes. Should I proceed to the second illustration करके wind up करेंगे भाई आज का lecture? Let's see, इतना ही आप retain कर पाएंगे. Let's see the second illustration.
Illustration number two. This is X is to Y is to Z. And earlier I was having three partners. W has been admitted as new. Or usse, yes, very good. We told him ki tera share 10% hoga. 10% ka fraction mein bana lo. 10% means 10 by 100. Means 1 by 10. Bas, ab pehle jaisa ho gaya. सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने नए बंदे का शेयर 10%, इट मींस कि बाकी जो रह जाएगा 90% वो मेरा एक्स वाई और जेड अपनी रेशियो में डिवाइड करेंगे, फिर से वही करेंगे रिमेनिंग. पहले जैसा बन गया ना आप क्वेश्चन, रिमेनिंग शेयर एट डब्ल्यूज एडमिशन राइट इज इक्वल टू फुल चपाती थी, तीन बंदे बांटा करते थे, 1/10 दे दिया डब्ल्यू को, रिमेनिंग कितना रहा 9/10. जो बचा मेरे पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में डिवाइड करेंगे 3/6, 2/6 एंड 1/6 राइट. मल्टीप्लाई करिए एक्स न्यू 27/60, वाई इज न्यू 18/60, जेड न्यू 9/60. कुछ भी कैंसिल नहीं करेंगे, अगर हो भी जाता तो इसे भी लाइक बनाने के लिए 6/60. आंसर चेक करिए, ये किसका हुआ W का, लाइक फ्रैक्शन 27:18:9:6. नाउ वी कैन रिड्यूस इट, थ्री के टेबल पे थ्री नाइन सा, थ्री सिक्स सा, थ्री थ्री सा, थ्री टू, ठीक है जी. सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम्स टू अस इन दिस केस दैट इज इक्वल टू 9:6:3:2 मैचिंग. आंसर इज मैचिंग विद योर बुक. सो दीज आर द फर्स्ट एंड टू सेकेंड इलस्ट्रेशन. वी जस्ट कंसिडर्ड कि जरूरी नहीं है कि आपको नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में ही दिया हो, ही मे गिव यू द न्यू पार्टनर शेयर इन परसेंटेज राइट. सो दैट परसेंटेज वी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, देन इट बिकम्स सेम एज ऑफ योर इलस्ट्रेशन नंबर 1 राइट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल पिक टुमारो.